जाना साथी है और ऐसे व्यक्ति को भी बगल के राज्य वाले को भी एक मौका देना जरूरी है, तो इसीलिए सब चीज सोच करके किया गया है। लोगों को बड़ी खुशी है, सबको किसी को किसी बात के लिए एतराज नहीं, और उन्होंने खुद भी आज हरसिमरत सिंह ने खुद भी बात किया, कोई अपराध वगैरह की बात नहीं है। ये सब चीज़ जो होता है उनको तो इतना अवसर दिया ही है, हम लोगों ने शुरू से ही दिया है अवसर। जब IAS अफसर थे तब साथ, उसके बाद तब फिर राज्यसभा में भेजना, दो बार भेजा भी, पार्टी का भी अध्यक्ष बनाया, अभी केंद्र में मंत्री भी है, तो ये सब मौका मिला है, तो उससे कोई खास बात नहीं है। सब लोग पार्टी में हैं और निर्णय हुआ कि नहीं इस बार मौका जरा ऐसा हम लोग दे दें बगल में, ताकि बहुत पुराना साथी है उसको भी एक मौका मिले। बात हो रही है कि क्या RCP सिंह अब राज्यसभा के सदस्य नहीं रहेंगे तो उनको इस्तीफा कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री कहेंगे, नेता कहेंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे। नहीं नहीं, तो अभी तो टेन्योर है ना, ये तो चुनाव समय के पहले तो हो रहा है, वो तो जब तक समय है तब तक के लिए तो है ही ना, तो अभी तुरंत इस्तीफा देने का क्या मतलब है? तो बिल्कुल समय होता है उसकी, पार्टी में क्या भूमिका होगी उसकी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पार्टी में क्या लगता है रही है भूमिका पार्टी में, आप देखते हैं कितना जिम्मेवारी दी, सब लोग को जिम्मेवारी दिए गए, वो सब आगे की चीज, वो आगे क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मांगेंगे या सिंबॉलिक ही रहेगा, सब तो आगे की चीज है, और कोई जरूरत है किस चीज को मांगने की, वो सब तो अपने आप परिस्थिति पर क्लियर आपको होता रहेगा। पिछली बार मुख्यमंत्री जी आप मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो प्रोपोर्शन जो आपको मिलना चाहिए था। पहले वाला बात और अब वाला बात कहे के लिए कर रहे हैं, तो क्या आप सब कैंडिडेट के साथ पार्टी पूरे तौर पर साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करिए।